फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा विथ अनीस अजय में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टीनू वर्मा की एज ए एक्टर सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक पर आता है आंखें। गोविंदा, चंकी पांडे और शक्ति कपूर के साथ यह फिल्म 1993 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है हिम्मत। सनी देओल, शिल्पा शेट्टी और तब्बू के साथ यह फिल्म 1996 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है घातक। सनी देओल, मीनाक्षी और डैनी के साथ यह फिल्म 1996 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मेला। आमिर खान, ट्विंकल खन्ना के साथ यह फिल्म 2000 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है माँ तुझे सलाम। सनी देओल, अरबाज खान के साथ यह फिल्म 2002 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक बिलो एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है सौतन। यह एक भोजपुरी फिल्म थी। सुदीप पांडे और दिव्या द्विवेदी के साथ यह फिल्म 2009 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। प्रदीप पांडे और सुबी शर्मा के साथ यह फिल्म 2016 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है लैला मजनू। यह एक भोजपुरी फिल्म थी। प्रदीप पांडे, अक्षरा सिंह, मनोज टाइगर के साथ यह फिल्म 2020 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक सुपरहिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है किसी की भाई किसी की जान। सलमान खान, पूजा हेगड़े के साथ यह फिल्म 2023 में रिलीज की गई थी। बात करें बॉक्स ऑफिस की तो यह एक एवरेज फिल्म साबित रही।